देश भारत या इंडिया, ये बहस राजनीतिक गलियारों में तेजी से चल रही है। इस आग को हवा देने का काम किया है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के उस निमंत्रण पत्र ने जो G20 के दौरान आने वाले मेहमानों को भेजा गया था, जिसमें सबसे ऊपर प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा था। अमूमन यहाँ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया दिखता है। इसी बीच चर्चा है कि केंद्र सरकार संविधान से इंडिया शब्द हटाकर भारत रखने का प्रस्ताव ला सकती है। इस बीच यह भी बात हो रही है कि नाम बदलने में देश को कितने पैसे खर्च करने होंगे। दुनिया में 190 से ज्यादा देश है, जिनमें से कई देशों ने किसी ना किसी कारण से अपना नाम बदला। कोई गुलामी के दौर को भुलाना चाहता था तो कोई इसे कल्चर से जोड़ रहा था। लेकिन सवाल ये उठता है कि नाम बदलने से अकेला बोलचाल का काम नहीं बदलेगा, बल्कि कागजों, वेबसाइट्स और आर्मी की यूनिफॉर्म और यहाँ तक कि लाइसेंस प्लेट में भी चेंज दिखेगा। ये सब काफी खर्चीला हो सकता है। अब इसके खर्च का अनुमान आप कैसे लगा सकते हैं? जैसा कि हमने आपको बताया कि इसका कोई फिक्स्ड फॉर्मूला नहीं है। यह इस तरह से नहीं है कि कोई अपने घर की नेम प्लेट पर लिखी टाइल हटाकर नई टाइल जोड़ना चाहे। देश के आकार और उसके डॉक्यूमेंटेशन पर काफी कुछ तय रहता है। अब यहाँ हमें यह भी समझना होगा कि अगर देश का नाम बदला जाता है तो इस प्रक्रिया को पूरा होते होते देश के खजाने से करोड़ों रुपए खर्च हो जाएंगे। देश के राज्यों और कुछ शहरों के नाम बदल जाने के कई उदाहरण हैं, जैसे उड़ीसा का नाम ओडिशा कर दिया गया था, यूपी से अलग हुए उत्तरांचल का नाम उत्तराखंड कर दिया गया था। यही नहीं, जहां तक शहरों के नाम बदलने की बात है तो महाराष्ट्र के बॉम्बे को मुंबई किया गया, पश्चिम बंगाल के कलकत्ता को कोलकाता में बदला गया, इसी तरह से तमिलनाडु के मद्रास को चेन्नई किया गया था। यही नहीं, यूपी के भी कई शहरों के नाम बदले गए हैं, जैसे इलाहाबाद को प्रयागराज किया गया था। दक्षिण अफ्रीका के इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉयर डेरेन ओलिवियर इस पर लंबे समय से काम कर रहे हैं। वो अफ्रीकी देशों में नाम बदलने की स्टडी के आधार पर कई बातें कहते हैं। उन्होंने साल 2018 में साउथ अफ्रीकी देश स्विट्जरलैंड का नाम बदले जाने पर लंबी स्टडी की थी। उसका नाम इस्वातिनी किए जाने में लगभग 500 करोड़ का खर्चा आया था, जिसकी गणना इस शख्स ने पहले ही कर दी थी। नाम बदलने पर कितना खर्चा आएगा यह उस देश की टैक्सेबल और नॉन टैक्सेबल इनकम पर निर्भर करता है। नाम बदलना वैसा ही है जैसे किसी बहुत बड़े कॉरपोरेट ग्रुप की रिब्रांडिंग करना। मान लीजिए कि कोई मीडिया हाउस अपना नाम बदलना चाहे तो कागजों में, बैंक में तो इसे बदला ही जाएगा, साथ ही बड़ा खर्च लोगो बदलने और लोगों के दिमाग में अपनी छवि की रिब्रांडिंग में लगेगा। एक्सपर्ट्स की माने तो कॉरपोरेट हाउस की औसत मार्केटिंग कॉस्ट उसके कुल रेवेन्यू का 6% होती है। दूसरी ओर रिब्रांडिंग की कवायद उसके मार्केटिंग बजट का 10% या उससे कुछ ज्यादा हो सकती है। बड़े कॉरपोरेट पर इससे खास फर्क नहीं पड़ता, लेकिन छोटी कंपनियों के लिए ये नुकसान का सौदा है। यही बात कम और ज्यादा GDP वाले देशों पर भी लागू होती है। ओलिवियर मॉडल के हिसाब से जाए तो भारत का नाम बदलने में 14,000 करोड़ रुपए से लेकर 304 करोड़ रुपए का खर्च आ सकता है। इस खर्च का अनुमान आउटलुक की रिपोर्ट के मुताबिक सामने आया है। इस दौरान सेंटर देशवासियों की फूड सिक्योरिटी पर जितना खर्च करती है, रिब्रांडिंग में लगभग उतना ही खर्च आ सकता है। आउटलुक की रिपोर्ट के मुताबिक साल 2023 में खत्म हुए वित्तीय वर्ष के लिए भारत की राजस्व प्राप्ति 23,84,000 करोड़ रुपए थी। इसमें टैक्सेबल और नॉन टैक्सेबल रेवेन्यू दोनों शामिल है। इस आंकड़े को अगर ओलिवियर मॉडल में फिट किया जाए तो भारत का नाम बदलने की प्रोसेस में करीब करीब 14,000 से लेकर 304 करोड़ रुपए तक का खर्च आ सकता है। बहरहाल, भारत का नाम बदला जाएगा या नहीं, इस पर सरकार की तरफ से अभी तक कोई भी आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है। संसद का विशेष सत्र किस लिए बुलाया गया, इसके लिए सत्र शुरू होने का इंतजार करना होगा। बाकी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहे द नगरी न्यूज़। शुक्रिया।